प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी यूपी की चेयरपर्सन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र जारी किया जो आने वाले लोकसभा चुनावों में हमारी प्रतिबद्धता और देश के प्रति जो संकल्प है उसका विवरण शब्दों में किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग एक साल से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन किया, लगभग दो दर्जन राज्यों में हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष चिदंबरम जी और पूरी टीम अलग अलग लोगों से मिली, किसानों से, नौजवानों से, पूरे समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से खुले वातावरण में चर्चा करने के बाद जो इतने बड़े देश के नाना प्रकार के भौगोलिक सामाजिक जो हमारे समीकरण हैं उन सबको समझ कर एक समावेश तैयार किया गया और एक साल की कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो है ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही क्रांतिकारी दस्तावेज है। जिन जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है या इसको पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के साथ वादा किया है वो उसमें कहीं भी अतिशोक्ति नहीं है। सच्चाई में से निकल कर आज के समाज की जो चुनौतियाँ और जो ज़रूरतें हैं उनको संज्ञान में लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही व्यापक और दूरगामी मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है। सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ गेम चेंजर है 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर, वो घोषणा राहुल जी पहले कर चुके थे, आज है न्याय योजना, न्यूनतम आय की योजना। इस देश में लगभग 200 देश हैं, दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना बड़ा गरीबी उन्मूलन का गरीबी पे वार 72,000, देश के 20% सबसे गरीब जो हमारे परिवार हैं उन सभी परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपये की इनकम देना, इतना बड़ा कमिटमेंट है जो मुझे लगता है कि इंदिरा जी की जो गरीबी हटाओ नारे के बाद आज दोबारा जो संकल्प लिया है वो पूरी तरह से गरीबी को नष्ट करने के लिए, गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो बीड़ा उठाया राहुल जी ने उसको देश ने पसंद किया लेकिन भाजपा में बौखलाहट है। क्योंकि 5 साल बीत गए, उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपए प्रति खाते में आने का, हम भी कह सकते थे 20 लाख 25 लाख, लेकिन सारी अर्थव्यवस्था समझकर विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद 72,000 रुपये प्रतिवर्ष देश के सबसे गरीब 20% परिवारों को जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। और ख़ास बात यह कि जो पैसा जाएगा ये उन परिवारों में जो महिलाएं हैं उनके खाते में जाएगा, ताकि महिला सशक्तिकरण की तरफ और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर इस योजनाओं की परिकल्पना की गई है। न्याय की योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई जाति, कोई धर्म और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में यूपीए 2 में 102 मिला के 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लोग लेकर आए थे। और आज जो हालात उत्पन्न हुए हैं मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन 5 साल में एक तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया है और जो भी आंकड़े सरकार लेकर आती है उस पर खुद भाजपा के नेता भी और अनेक लोग आशंकाएं जताते हैं। NSSO का एक आंकड़ा आने वाला था जो बेरोजगारी से संबंधित था, पिछले 48 सालों में बेरोजगारी दर इतनी कभी नहीं बढ़ी जितनी वर्तमान में आज मौजूद है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी को देखकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें रोजगार क्रांति लानी है। इंदिरा गांधी लाई थी हरित क्रांति, फिर आई श्वेत क्रांति और अब रोजगार क्रांति कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी राहुल जी के नेतृत्व में, और हमने इसमें अतिशोक्ति नहीं करी। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरी देने का हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो 4 लाख तो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पोस्ट को भरेंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम सेवा मित्रों के पद का नियोजन करेंगे और 10 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे।
और राज्य सरकारों के भी लगभग 20 लाख पद खाली पड़े हैं। निवेश को प्रोत्साहन देना, युवाओं को रोजगार देना, देश की अर्थव्यवस्था में जो न्याय योजना के माध्यम से अधिक धनराशि आएगी उससे कंजम्पशन का डिमांड बढ़ता है और फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था ठप पड़ी थी उसको पुनर्जीवित करने का काम नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद इस योजना के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। एक ऐसा निर्णय हम लोगों ने लिया है जो भाजपा की सोच के विपरीत है। एक रेल बजट अलग से आता था, भाजपा ने उस रेल बजट का समापन कर उसको आम बजट में डाल दिया, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि 2019 में 23 मई के बाद जब नई सरकार का निर्माण होगा कांग्रेस के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोग अलग से एक कृषि बजट लेकर आएंगे। देश के किसानों को पता होना चाहिए पारदर्शी तरीके से कि सरकार ने कितना आउटले रखा है और क्या आउटकम उसका रहा है। तो अलग से कृषि पर एक कृषि बजट बनकर आएगा लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ये बहुत बड़ा एक घोषणा हम लोगों ने करी है। किसान, मैं समझता हूँ, आज इस 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे प्रासंगिक, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों के साथ जो धोखा दिया गया है, जो वादे कर मुकर गई है भाजपा की सरकार, उसको ठीक करने के लिए दुगनी आमदनी करने का वादा किया था और अब अंत में ऐसा जुमला दिया है कि हम 6,000 रुपये हर साल देंगे और फिलहाल 2,000 रुपये ले लीजिए। 2,000 रुपये में किसी ट्रैक्टर का पूरा टैंक डीजल का नहीं भरता है, तेल का। ये हालात है, लेकिन हम लोग अलग से बजट लेकर आएंगे और जो ऋण माफी हम लोगों ने करी है अपने 3 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसी प्रकार गरीबों की और खासकर किसानों की मदद करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। एक और बड़ी घोषणा करी है। देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार अपने आप को कमिट करे शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% निवेश करना। और मैं शिक्षा पर जो खर्च होता है उसको मैं एक्सपेंस नहीं मानता हूँ। हमें लगता है कि शिक्षा में जो खर्च है वो इन्वेस्टमेंट है आने वाली पीढ़ी के लिए। प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इस नौजवान देश को शिक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी तभी हम 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। पूरी दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भारत आगे बढ़े, इसके लिए शिक्षा में निवेश बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग 6% अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जीडीपी का। पिछले 5 सालों में जो हेट क्राइम्स हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, काउ विजिलांटिज्म के नाम पर हिंसा को भड़काया गया है, नफरत को फैलाया गया है, उस सब पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे और ये भीड़ की हिंसा, समाज में जहर घोल देना, आक्रामक जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, राजस्थान खुद इन बातों का विटनेस रह चुका है, उस पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। और ये हमने मैनिफेस्टो में रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना महत्वपूर्ण समाज और कांग्रेस और हम हमारे देश के लिए है कि इस प्रकार की जो नंदनीय घटनाएं हैं उस पर पूरी तरह हम लोग रोक लगाएंगे। साथियों, ये बात सच है कि जो मैनिफेस्टो बना है इसकी इतनी चर्चा और प्रशंसा पूरे देश दुनिया में हुई है कि भाजपा के पास कोई जवाब देने को नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश के जो वित्त मंत्री हैं वो घंटों पानी पी पी कर हमारे मैनिफेस्टो की आलोचना कर रहे हैं और सिर्फ इतना बोल पा रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है, कि कांग्रेस ने सिर्फ झूठ टाइप करके रखा है। लेकिन हमने जो तथ्य थे, जो धरातल की सच्चाई इस देश की है, उसको सामने रखा और बिना पक्षपात के लॉन्ग टर्म विजन, मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए वेल्थ क्रिएट करना और जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है, आदिवासी है, उन लोगों के लिए वेलफेयर क्रिएट करना। जब तक आप वेलफेयर नहीं करेंगे तो देश का जो बड़ा हिस्सा है जो हमारे विकास की गति से मैच नहीं कर पा रहा है, उन लोगों के लिए जब तक हम लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे, इस बीजेपी की सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम हो, नरेगा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य चिकित्सा में भी लगातार बजट में कटौती की है। जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स थे, आप बजट उठा के देखते, पिछले 3 बजट देख लीजिए भारत सरकार के, हर सेक्टर में कटौती की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और टूरिज्म, ये ऐसे हैं जहाँ पर हम जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जैसे हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, इसी प्रकार राइट टू हेल्थ केयर, एक अच्छी गुणवत्ता वाली हेल्थ केयर तमाम नागरिकों को मिले, ये हमारी कांग्रेस की परिकल्पना है। अभी बीजेपी ने इस वर्ष या पिछले वर्ष एक
इंश्योरेंस पॉलिसी की आयुष्मान नाम से कोई चालू की थी, उसको अनेक राज्यों ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसमें प्राइवेट कंपनीज जो इंश्योरेंस कराती हैं उनको मुनाफा देने का रास्ता खोला था। जैसे राफेल में निजी कंपनी को फायदा करने के लिए रास्ता खोला था, उसी प्रकार सरकारी खर्च पर निजी कंपनियां मुनाफे में आए, इस सोच को लेकर उन्होंने आगे काम किया था। हम लोग पहले कह चुके हैं कि महिला आरक्षण पर सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र होगा लोकसभा का, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए हम पारित करवाएंगे लोकसभा में और तमाम राजस्थान समेत बाकी राज्यों में। आप जानते हैं कि 33% आरक्षण विधानसभा राजस्थान के अंदर हम लोग वैसे ही रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, पंजाब ने भी किया है, लेकिन 33% वुमेन्स रिजर्वेशन ये हमारा कमिटमेंट है, मैनिफेस्टो में दोबारा इसको लिखा है। और पूर्व मोहम्मद की सरकार बीजेपी की रही दिल्ली में 5 साल, महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने कोशिश भी नहीं करी। अगर एक सच्चे मन से कोशिश करते और फिर ये बिल पारित नहीं होता, हम समझ सकते थे, लेकिन उनका जो असली चेहरा है महिलाओं के प्रति वो इसमें सामने आ गया है। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनके बारे में मैंने यहाँ विवरण किया है साथियों, लेकिन मोटे तौर पर ये जो बजट, ये जो मैनिफेस्टो हमने घोषित किया है, इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। 3.5 लाख करोड़ रुपये जो न्याय योजना में लगेंगे कहाँ से आएंगे, समझना पड़ेगा कि ये सरकार 5 साल चलेगी। अगर मोदी सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों के माफ कर सकते हैं, तो कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो 3.5 लाख करोड़ रुपए हम 20% या 15 करोड़, 25 करोड़ लोगों के परिवारों को देने के लिए साधन जुटा सकते हैं। पैसे की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो जीडीपी आज है वो लगातार बढ़ेगी, और जब सरकार के सूत्र बढ़ेंगे तो हम जो पैसा खर्च करने की बात आती है, तो हमारा फोकस ये रहेगा कि पहले किसान, गरीब और अति गरीब जो हैं उन लोगों को पहले पैसा पहुंचे, और इससे एक रिपल इफेक्ट होगा। जैसे मैंने पहले कहा, गरीब की जेब में पैसा आएगा, वो रोज़मर्रा की चीज़ों में कंजम्पशन बढ़ाएगा, जो नोटबंदी के बाद बिल्कुल ठप हो गया था ग्रामीण क्षेत्र में पैसे का खर्च करना, वो बढ़ेगा, उससे पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिलेगा। ये मैनिफेस्टो उन बातों में प्रकाश डालता है जिससे भाजपा छुपना चाहती है, रोजगार, किसान, महंगाई, अर्थव्यवस्था, महिलाएं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सब वर्गों पे जिन पे बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। गोलियां चली हैं, देश भर में आग लगी है दलित आरक्षण के नाम पर, मध्य प्रदेश में किसानों पे गोलियां चली हैं, उन सब पे चर्चा ना हो, महंगाई दर ना पूछें, पेट्रोल डीजल का क्या दाम है लोग पूछना भूल जाएं, इसलिए भावनात्मक मुद्दों को आगे रखकर स्वयं खुद प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, लेकिन अखबार और टेलीविज़न में छाए रहने से जो चुनावी मुद्दे हैं, लोगों के जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं, और मैं बार बार कहता हूँ, जनता के, गरीबों के, दलितों के पैर धोने से वोट नहीं मिलेगा, उनके पेट में रोटी जानी चाहिए, तब लोग समझेंगे आपने काम किया है। जुमले देकर, प्रोपेगेंडा कर, इश्तेहार छापकर, भाषण देकर वोट नहीं मिलेंगे। और भाजपा के तमाम शीर्ष नेता मैंने देखा है, बड़े बड़े पदों पर बैठकर सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनकी बात करते हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं अंत में, भारत की फौज, भारत की सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, वर्दी में हमारा एक एक नौजवान, हमारे सैनिक इस देश की मान, शान और सम्मान का प्रतीक है। भारतवर्ष पर अगर कोई भी दुश्मनी की आंख उठाकर देखेगा तो उसको वही जवाब मिलेगा जो जवाब मिलना चाहिए। सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है, पार्टी की सत्ता कौन है, कौन है, फर्क नहीं पड़ता। भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरा मुल्क एक है, पूरा देश एक है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई दोराय नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए नौजवानों की शौर्य और वीरता की आड़ में आप छुप जाओ, ये भी कायरता का परिचय है। अपनी परफॉर्मेंस पे बात करिए, 5 साल आपने डिलीवर क्या किया है, आपने धरातल पर लोगों को क्या हासिल हुआ है, नौकरियां कितनी बड़ी हैं। आप सिर्फ जुमले देकर और चर्चा का विषय बदलने से चुनाव में बाजी नहीं मार सकते हैं। बहुत बड़ा देश है,
सब आजकल जानकार लोग हैं, और कितना भी दबाव हो जुडिशरी पे, ब्यूरोक्रेसी पे या मीडिया पे, लेकिन हकीकत लोग जानते हैं जब आप मांगेंगे। सवाल यह कि आप जवाब पूछो बीजेपी से, आप सरकार से अगर सवाल पूछ लो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, दलितों पे, महिलाओं पे, तो आपको देश विरोधी कहा जाता है। ये एक नई परिपाटी है, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा भाजपा ने शुरू कर दी है। जो भाजपा विरोधी है वो देश विरोधी है। भारत का एक एक नागरिक इस देश से प्यार करता है। हम सब राजनीति में हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा है और होनी चाहिए, हमारे विचार नहीं मिलते अलग पार्टियों से अलग बात है, लेकिन देश हित में हम सब एक है। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, देश की रक्षा, सुरक्षा, आंतरिक रक्षा और बाहर का कोई भी आदमी या देश या मुल्क या संगठन हमारे देश के ऊपर अगर नजर टेढ़ी कर देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये बात दुनिया को समझ जानी चाहिए। लेकिन ये चुनाव इस देश के खेतों में, गांव, गली, गलियारों में, गली मोहल्लों में लड़ा जाएगा। ये चुनाव सवालों के जवाब मांगता है। ये चुनाव गांव, गरीब, किसान को कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करेगा। और अलग अलग राज्यों में गठबंधन बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो गैर भाजपा के दल हैं सब एक साथ आएंगे और 23 मई को इस देश में एक नई सरकार बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री बनेंगे। शुक्रिया। सचिन जी, सचिन सर, कांग्रेस का सौभाग्य, दुर्भाग्य माना जाए या भाजपा का सौभाग्य, कि जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले कांग्रेस के नेता कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो खुद के पैर कुल्हाड़ी मारने वाले होते हैं। जैसे कि अभी अपसपा हटाने वाली बात हुई, देशद्रोह वाली बात हुई और बहुसंख्यक वोटों का। शर्मा जी, मेरी बात सुना, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, गौर से जवाब सुनना। आप कृपया करके व्हाट्सएप पढ़ना बंद कर दो और मैनिफेस्टो पढ़ो। हम लोगों ने क्या कहा है आसपा के बारे में, हमने इतना कहा है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, अगर वो आसपा को उत्तर पूर्व से हटाते हैं, मणिपुर, असम, मेघालय से, तो कोई सवाल नहीं पूछता। हमने हटाने की बात कही नहीं है, हमने कहा हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू कर जरूरत पड़ी तो अमेंड करेंगे। अमेंड भी क्या करेंगे, तीन मुद्दों पर सिर्फ, यौन शोषण, फोर्स डिसअपीयरेंस और टॉर्चर, इन तीन मुद्दों पर हम रिव्यू करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। आसपा के बारे में इसको मुद्दा बना रहे हैं, भाजपा की सरकार लगातार उत्तर पूर्व के राज्यों से, अलग अलग इलाकों से आसपा को हटा रही है, कोई सवाल नहीं पूछता। आप रिव्यू करिए, अगर स्थिति अनुकूल है हटाने लायक या अमेंड करने लायक, तब उस पर चर्चा होगी। किसने कहा कि हम वहां से आसपा हटाने वाले हैं? हमारी सरकार रही तो कश्मीर में हालात बहुत बेहतर थे साथियों। आज पूछिए आप इनकी सरकार से हालात क्या है कश्मीर के अंदर। आप सरकार चला नहीं पाए, आपने सपोर्ट दिया पहले तो हालत बद से बदतर हो गए। पीडीपी का समर्थन, सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए भाजपा ने पूरी कश्मीर पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज किया। नॉर्थ पोल, साउथ पोल मिल गए राज बनाने के लिए। आपके क्या भाषण थे पीडीपी के बारे में चुनाव से पहले, क्या क्या आरोप लगाए थे आपने? फिर आपने तमाम सिद्धांतों के साथ समझौता किया, सरकार बनाई, सरकार नहीं चली, गिरा दी आपने, गवर्नर रूल लग गया, चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं, एक लोकसभा चुनाव में चार चरणों में चुनाव पर वोट पड़ेंगे, हालात बद से बदतर हो गए हैं। मुझे कहते हुए दुख होता है कि कश्मीर में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो लगातार स्थिति नॉर्मल हो रही थी, लेकिन इस बार एक ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं दिल्ली में कि कश्मीर घाटी में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। और हम लोग कभी भी, हमारे सैनिक, हमारे अर्धसैनिक, हमारी फौज, हमारे पुलिसकर्मियों की रक्षा, सुरक्षा और मान सम्मान अधिकारों से कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। ऑल वी हैव सेड इन द मैनिफेस्टो इज दैट देयर आर एनफ लॉज इन प्लेस that cover all the areas that the sedition law covers. There is the Defense of India Act and one more act. So we are saying that there are multiplicity of laws. Perhaps we don't need so many. Idea is that we must stand united, integrated, and confident of ourselves. So we are only talking about where there is huge misuse. There were a lot of complaints. We say we'll take a look at it at the time, when the time we form the government. There is no question of compromising with national security. I think nobody in this country can tell the Congress party about national security. We've handled the crisis from the Bodoland Accord to the Punjab Accord to Jammu Kashmir Accord
all the so-called troubled spots in our country were very deftly and carefully handled and handled well by all successive Congress governments. In fact, it is this government, I want to ask the government of India. Many years ago, you said you have had an accord in the Northeast with the Naga factions, with the NSC and IM. No one knows about the accord. We don't know what happened to that accord. Bada fanfare se accord kiya tha Bharat Sarkar ne aur Naga insurgents ne. Uska kya hua? Koi janta nahi. Sab secret hai 3 saal se. Koi forward movement usme nahi hua. To Bharat Sarkar ki jo niti hai, jo dhyan hai, jo karyapranali hai, wo problem solving mein nahi hai. Wo problem creation mein hai. Problem create karo, logon ka dhyan bhatkao, ताकि किसान नौजवान छोटे दुकानदार ये सवाल ना पूछें कि अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ. कितने नारे दिए थे, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, डिजिटल इंडिया, मतलब 1 दर्जन नारे दिए थे. उनका क्या हुआ नारों का? मेक इन इंडिया, उस पर आंकड़े दीजिए ना. श्वेत पत्र जारी करिए आप. 5 साल में आपने 1 दर्जन नारे दिए थे, उसमें ये इन्वेस्टमेंट हुआ और ये हमारा आउटकम है. उस पर चर्चा करना नहीं चाहते. अभी उस पर कहना बड़ा मुश्किल है. मैं जरा और डिटेल ले लूं, फिर उस पर टिप्पणी करूंगा. सचिन पायलट जी, देखिए, वो मैंने भी, मुझे सुबह जानकारी मिली है. सभी लोग स्वतंत्र हैं, कौन से दल कौन से गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो केंद्र में भाजपा सरकार है उसके खिलाफ जो ताकतें हैं वो सब साथ रहें. किन्हीं राज्यों में हमारा गठबंधन है, कहीं पर नहीं है. जैसे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन अलग है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन मूलतः हमारा उद्देश्य यह है कि भाजपा की सरकार दोबारा दिल्ली में ना आए. उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं. बाकी हर नेता, हर दल स्वतंत्र है, वो किसके साथ जाना चाहता है, और जनता सवाल पूछेगी उनसे जब वो मैदान में जाएंगे. No knowledge of that yet, but I'll find out more. पायलट जी, ज्योति खंडेलवाल का स्टिंग हमारे चैनल पे चला है, उसमें साफ तौर पे वो पैसे की बात कर रही है. यानी आप मुझसे 5 करोड़ पे दो और मैं सांसद बन जाती हूँ तो पैसे दूंगी, मैं आपको आपको ठेकेदारी दिलाऊंगी, आपका क्या कहना है? मैंने वीडियो देखा नहीं, मैं आपको दिखा देता, दिखा देना. और बताइए सर, टू जी घोटाले के आरोपियों से के साथ प्रॉपर्टी घोटाला सामने आया, यूनिटेक और जिग्नेश शाह के सामने, राहुल गांधी का, और साफ तौर पर दिखा कि 9 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी मैरोरी में थी. चुनाव के समय मुझे बड़ा खेद है कि भाजपा के नेता और उनके माध्यम से अनेकों लोग कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं. उनको पता है कि सत्ता उनके पास नहीं रहेगी. इट्स अ शेयर एक्ट ऑफ डेस्परेशन टू कॉज एस्पर्शंस ऑन द ऑपोजिशन. जो गैर भाजपा के दल और नेता हैं, कोई एक छोड़ा नहीं है. नोटिस देना, दबाव डालना, आरोप लगाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, तथ्यों के आधार पर कुछ किसी के सामने नहीं है. लेकिन सिर्फ मीडिया में किसी के नाम के आगे आप कीचड़ उछाल दो और फिर उस पर छोड़ दो, वो अपनी सफाई देता रहे. ये जो है ना, ये एक चुनाव से पहले बहुत सोच समझकर भाजपा के नेता करते हैं, ताकि मीडिया में उनकी खामियों को लिखने वालों की संख्या कम हो जाए और इस प्रकार की सनसनीखेज खबर फैलती रहे. इसमें कोई तथ्य नहीं है. और आरोप अगर लगाना है तो आपकी सरकार 5 साल थी, आप जाँच करते. आपने किया कुछ नहीं, लेकिन चुनाव के समय इन बातों को बार बार आगे प्रमोट किया जाता है. हनुमान बेनीवाल से 3 विधायक हैं, आज नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं हनुमान बेनीवाल. उन्होंने कहा है हरियाणा और यूपी के अंदर भी जाकर प्रचार करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ जाकर के प्रचार करेंगे. भाई, कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग नहीं भी हैं. अंतिम निर्णय जनता करेगी. हम पब्लिक के पास गए थे, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उनके 95 विधायक कम हो गए, हमारी सीट 5 गुना बढ़ गई. हमारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकारें बनी हैं, बहुमत के साथ बनी हैं, और लोकसभा में भी हमको प्रचंड बहुमत मिला. पहले कांग्रेस में आने की चर्चा चल रही थी, हनुमान जी अब तो गया ना. तो हमारे तो मोदी जी लगातार इसमें हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, नौजवान, रोजगार, किसान, महंगाई, निवेश, इस पर चर्चा है. ये मुझे समझ नहीं आता प्रधानमंत्री जी किस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं. और जितनी बार वो वार्ता करते हैं, जितनी बार वो पाकिस्तान गए हैं, शायद मनमोहन सिंह 10 साल में 1 बार नहीं गए. वो शादी में, खाने में, तोहफे देने में, उनको बुलाने में, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में कौन आया था? नवाज शरीफ आए थे कि नहीं आए थे? वो वहाँ गए नहीं गए उनके गले मिलने शादी ब्याह में खाना खाने के लिए? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म उस समय के पाकिस्तान में हुआ मनमोहन सिंह जी का, 1 बार वहाँ नहीं गए. आने जाने की बात नहीं है, आपकी पॉलिसी क्या है? कभी ये कहो, कभी वो कहो, आपको सूट करे जो कहो. उड़ी में अटैक हुआ,
पुलवामा में अटैक हुआ, गुरदासपुर में अटैक हुआ, भारत सरकार ने आईएसआई को निमंत्रण दिया कि भारत में जो अटैक हुआ है आईएसआई आके जांच करे। आईएसआई ने जांच करी, दो दिन में कहा हमने कुछ नहीं किया। ये पॉलिसी है आपकी, आप मोस्ट फेवर्ड नेशन आप स्टेटस दे रहे हो,